सुप्रभात बच्चों बच्चों पिछली वीडियो में हमने पहले और दूसरे वाक्य का अध्ययन किया था। आज हम तीसरे और चौथे वाक्य का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं तीसरा वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूँ क्या उतराई। बच्चों प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती हैं कि मेरे लिए इस संसार में आना बहुत आसान था, या संसार में आने का जो रास्ता था बड़ा सीधा था, परंतु इस संसार में जो जीवन जीने का मार्ग है वह बड़ा कठिन है, क्योंकि इस संसार के सुख सुविधाओं और लोभ लालच के चक्कर में पड़कर हम अपने सीधे रास्ते को भी टेढ़ा कर लेते हैं, अर्थात अपने वास्तविक कर्मों को भूल जाते हैं और पूरा जीवन बस स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं। जिस दिन मुझे इस भवसागर से पार होने के लिए ईश्वर ने उतराए स्वरूप मेरे अच्छे कर्मों का हिसाब मांगा, तो मेरे पास एक भी ऐसे अच्छे कर्म नहीं थे जिसको मैं ईश्वर रूपी मांझी को इस भवसागर से उतराई के बदले में दे सकूं। और इंतज़ार करते करते पूरा दिन बीत गया जिसका मुझे अपार कष्ट हुआ। यह इस तीसरे वाक्य का अर्थ था। आइए चौथे वाक्य में देखते हैं। चौथे वाक्य में कवित्री कहती हैं, थल थल में बसता है सिवही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कह रही हैं इस संसार के कण कण में ईश्वर का ही वास है, इसलिए हे मनुष्य अपने आप में या एक दूसरे में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या फिर ईसाई हो। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो स्वयं को जानता है, अपने आप को जानता है। और अगर आपने या हमने अपने आप को जान लिया, यही मेरी ईश्वर से, साहिब से तात्पर्य ईश्वर है, वही मेरी ईश्वर से सच्ची पहचान है, इसलिए कभी किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव करने से ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, और अगर समान भाव हम ग्रहण करें तो ईश्वर से नज़दीकी हमारी बढ़ती जाती है, और वही सच्ची ईश्वर से हमारी पहचान है। धन्यवाद।